बहुत दिनों के बाद एक वीडियो जो कि खाने से ताल्लुक़ रखती है। आज मौसम बहुत अच्छा मौसम, हल्की हल्की बारिश रेमझेम करते हुए सुबह से लेकर शाम तक, और ऐसे मौसम में किसी का भी जो कि हिंदू सभ्यता के अनुसार या भारतीय हैं तो उनका दिल ज़रूर करता है यार कुछ चटपटा हो जाए। तो आज उस चटपटा के दौर में यहाँ पर टिक्की बनाई जा रही है। तो मैं यहाँ ये पूछता हूँ कि ये जो टिक्की बनी है इसका रॉ मटेरियल क्या है, आप बताएंगे रॉ मटेरियल इसमें क्या है? उबला हुआ आलू है, इसमें नमक डाला, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, बस। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स बताए कि आलू को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उनको क्रश किया और क्रश करने के बाद जो बताई हुई चीज़ें हैं उन सबको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद आपने उसके ऊपर सेक रहे हैं, बट इसमें कुछ और नहीं मिक्स किया हुआ जिसमें ये क्रश भी हो जाती है? नहीं, ये स्लो गैस पे सेकी है तो काफ़ी देर से बन रही है। पर इसमें कोई साबूदाना या कोई सूजी या ऐसा कुछ भी नहीं है? सिर्फ आलू ही है। अच्छा, तो ये रॉ मटेरियल है जिसको एक नॉन स्टिक फ्राई पैन है जिसके ऊपर धीमी गैस के ऊपर जिसको सेकते हैं, और यहाँ पर सेकने के बाद जो टिक्की बनाने के बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये मटर तैयार किया, यहाँ पर आपको कटा हुआ चॉपिंग किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च, प्याज और ये चटनी। ये चटनी किस चीज़ की है? ये टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च की। अच्छा, तो इसमें हरा रंग इतना क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा, हरा हरी मिर्च और हरा धनिया की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा कलर था। और ये क्या है? ये सॉल्ट है, मीठी चटनी। अच्छा, तो ये सॉल्ट जो है ना, नॉर्मली जब ये टिक्की बन जाती है तो सॉल्ट सबसे ऊपर जब डाल देते हैं तो ये खट्टा मीठा स्वाद जो इसका आता है टिक्की का वो वाकई काबिल तारीफ होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई जेंट्स खाता है तो वो तो उंगली के नीचे उंगली जरूर दबाता है, बट लेडीज भी खाती हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक तीसरी चीज़ इसमें और भी है जो मटर की चाट। तो ये मटर की चाट को आपने क्या क्या इसमें मिक्स किया है? इसमें मटर भिगोती थी 2 घंटे पहले, इसको बॉईल करने के टाइम पे नमक और हल्दी डाला और उसके बाद जब सीटी आ गई, 4-5 सीटी लगाने के बाद फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के और थोड़ा सा उबलने दिया। भैया इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो चीज़ जब बना लेते हैं तो फाइनल टिक्की बनने के बाद यदि आप कहते हो कि इसमें नमक मिर्च कैसा है तो इसको बाहर निकाल के और थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि इसको टेस्ट करने के बाद पता लगा इसमें नमक मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी बहुत अच्छा है। तो ये टिक्की जिसके अंदर ये सभी चीज़ें पड़ेगी तो मैं एक बार इसके बाद वो भी दिखाता हूँ कि ये कैसे टिक्की बनाएंगे। तो ये टिक्की को घरों में तो हम प्लेटों में देखो किस तरीके से बनाया जाता है, ये प्रेशर कुकर में से आपने ये मटर को यहाँ पर निकाला, टिक्की को उठा के इसमें रख दिया, प्रैक्टिकली एक थाली में 2-2 टिक्की आया। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ खाने वाले 4 हैं तो इसीलिए हर एक के हिस्से में 2-2 टिक्की आएगा। तो ऐसी 2 थालियाँ सजाई जा रही हैं जिसमें 2 टिक्की के ऊपर अभी टिक्की रखा, पहले मटर की चाट रखी, फिर टिक्की रखी, फिर आपने ऑनियन उसके ऊपर डाल दिया, ऑनियन के बाद इसमें हरी चटनी मिक्सअप कर दी, तो ये हरी चटनी, उसके बाद इसके ऊपर सौंठ भी डाल दी गई, इसके ऊपर टमाटर
भी रख दिए गए ताकि उससे इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा और ये आप क्या डाल रहे हैं अभी? ये बेसन भुजिया है। अच्छा, बेसन भुजिया जो हल्दीराम की है वो भी इन्होंने इसके ऊपर डाल दी है। तो ये सर्व करने को तैयार है? हाँ, सर्व करने को तैयार है। क्यों? तो जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो एक दोना लेता है, उसमें एक टिक्की रखता है और ये सब डाल के जब देता है तो वो 40 रुपए लेता है। ये घर में होम मेड है और यहाँ पर सिर्फ टिक्की का स्वाद नहीं, ये शायद ब्रंच है, लंच और डिनर के बीच में जो ब्रंच होता है, तो इसको खाने के बाद आपको लगेगा कि वाकई कोई चीज़ बनाई है। तो मैं अब इसको जो खाने वाले हैं उनके पास लेके जाते हैं और उनसे उनका फीडबैक लेंगे। अभी आपने जो आलू की चाट, आलू टिक्की बनाई और उसको हम किट्टू को सबसे पहले सर्व किया जाता है, तो हमारा किट्टू टेस्ट करके और बताएगा कि कैसा है खाने में। तो किट्टू आपको कैसा लगा? किट्टू शांति भाव से खा रहे हैं तो इनको ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, और यदि इनको अच्छा नहीं लगता है तो कटोरी को स्टैंड से नीचे गिरा देते हैं। तभी आप देखिए कि हमारे किट्टू ने इसको पास कर दिया है। आपने कभी किसी पैरट को आलू की चाट खाते हुए नहीं देखा होगा, तो ये साहब आलू की टिक्की आप देखो किस तरीके से, धनिया की चटनी, वो पुदीन कितनी, धनिया की चटनी, मटर, और ये देखो आलू को भी खा रहे हैं। और ये भी यहाँ देखने वाली बात है कि अपना वीडियो कितने सुकून के साथ बनवा रहे हैं। तो किट्टू कैसा लगा आपको? चलो इसके बाद मैं आगे पूछता हूँ कि एक तरफ आलू की टिक्की बनाई गई और दूसरी तरफ टेस्ट भी कर लिया गया, तो मैं पूछता हूँ कि ये कैसा लगा। देखो किट्टू तो अभी खाने में लगे हैं। यहाँ पर हमारे घर की मुखिया जो कि सासू के रोल में भी हैं, और ये एक बहू ने बनाया और सासू माँ इसका स्वाद लेके बताएंगी कि ये खाने में कैसा लगेगा। तो आप जरा पहले चखिए और उसके बाद बताइए। अच्छी बनी। तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मैंने अलग अलग चीजें बताई। सब कुछ अच्छा है। तो ये जो सर्व करने का है, ये थाली के अंदर लेके कटोरी जो बना के खिला रहे हैं, ये वहाँ दोना होता है बहुत कम होती है, और यहाँ तो पेट भरने वाला जुगाड़ है। तो ऐसा तो नहीं कि इसी के बाद डिनर की छुट्टी हो भी सकती है। चलो, इन्होंने आज की डिश जो ये बनाई, मैं यूं तो उस बहू को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ समय के बाद ये एक डिश आज बनाई है और सासू माँ ने टेस्ट की है, और करने के बाद हमारा किट्टू उन्होंने भी इसको स्वाद लिया और दोनों ने मिलके बहुत अच्छा बताया। तो मैं आज का इस ठंडे मौसम में, जो कि बहुत अच्छा मौसम था, उसमें इन दोनों ने खाने के बाद फीडबैक भी साथ है, बनाने वाले को भी धन्यवाद, खाने वाले ने जो फीडबैक दिया उसके लिए भी धन्यवाद। मैं ऐसे ही शुभकामना देता हूँ और आपको नए वीडियो बना के फिर देते रहेंगे। तब तक के लिए फिर से विदा लेते हैं। धन्यवाद।